गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 11th चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स का चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री। यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर, टेक योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 196। हुज स्लाइस इज बिगर, अब यहाँ पे बोलते किसकी स्लाइस बिगर है, तो कैसे पता चलेगा हमें। पार्ट एंड गिनी व्हाट आम पापड़, आम पापड़ मालूम है जो आम का सुखाया, आम के रस का सुखाया हुआ, उसे धूप में सुखाते हैं और उसे जो पापड़ बनता है उसे क्या बोलते हैं, आम पापड़। ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप, उन्होंने कहा क्या करा, शॉप से मैंगो स्लाइस लाए, बराबर ड्राइड। देयर पीस लुक लाइक दिस, उनके पीस कैसे दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं, एक का पीस है। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और एक का किस तरह से दिख रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी 11 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो ये किस तरह से हो गया रेक्टेंगल, हमने थर्ड फोर्थ में सीखा है रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ है ना, लेंथ एंड क्या होती है, इसकी लेंथ कितनी हुई 11 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी हुई 3 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ कितनी हुई 6 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो अब बोलते हैं बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस इट वाज बिगर, अब इसका कैसा दिख रहा है लंबाई में ज्यादा, तो हमें किस तरह से पता चलेगा, तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई किसका बड़ा है। तो सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आवर हुज पीस इज बिगर डिस्कस, अ फ्रेंड ऑफ पार्ट एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वेयर्स। अभी यहाँ उन्होंने क्या करे, स्मॉल स्क्वेयर लिए और उसमें उन्होंने क्या करे, ऐसे वो वन बाय वन का लिया और उन्होंने द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, अब इसकी क्या है सिक्स लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो वन 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ, फिर उसने क्या ऐसे 1 सेंटीमीटर के कितने हो गए उसके अंदर 6 पीस ऐसे उसके अंदर आ गए 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से उसके अंदर। फिर द विड्थ ऑफ पीस, अब इसकी विड्थ कितनी है 5, तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 1 सेंटीमीटर का, ऐसे कितने आएंगे 5 आएंगे। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अराउंड इट्स विड्थ, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट, अभी ऐसे 6 है और है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे क्या बोलते हैं उसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो कितना हुआ 5 इनटू 6 यानी टोटल कितना हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा एरिया जब निकालते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं। सो द एरिया ऑफ पीस ए, पीस ए का एरिया कितना हुआ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। अभी पीस बी, इट्स सिली टू काउंट देम ऑल जस्ट मल्टीप्लाई इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ बी पीस, अब बी पीस का हम ऐसे इस तरह से एरिया ऑफ आम पापड़, बराबर पापड़ लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल साइज का है ना, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, उसकी उसकी लेंथ होती है और उसकी ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ है 11 और ये है 3, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका ज्यादा हुआ, तो बी वाले का, ये है ए और ये है बी, तो इसका स्क्वायर क्या, इसका एरिया ज्यादा हुआ। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर, अब कितना बिगर है, तो देखो ये किसका बिगर है, तो बी वाले का बिगर है, हम लिखेंगे कि हु हैड द बिगर पीस, तो ए बी
हिस्सा। तो दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पे करना होगा कि यहाँ पे स्टैम्प्स है और स्टैम्प का कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्टैम्प है, तो यहाँ पे कितने आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमें इसे काउंट करना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल का। लेकिन चेक योर गेस, मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज। अब जो येलो रेक्टेंगल है ना, इसे हमें कितना करना है, तो हमारे पास स्केल हो तो हमें उससे करना है। देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक है, तो 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये कितना होगा 20, ऐसे 5 आएंगे बराबर। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 20 हम गेस कर सकते हैं, 20 इसको हम मेजर करेंगे तो 20। फिर हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस अलोंग हिज लेंथ, तो इस तरह से हमें हमारे पास स्केल है, तो हम ये स्केल से क्या करेंगे, इसे हम ये काउंट करेंगे बराबर। यहाँ पे आप ये ऐसा जीरो से रखना है इसे, और जीरो से रख के यहाँ पे देखना है कि कितना सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर है, ये 14 है, कितना है 14 है येलो वाला। तो हम ऐसे 4 सेंटीमीटर का, और ये स्टैम्प कितना है, तो हमारे स्केल से हम देखेंगे ये स्टैम्प कितना है, तो हमारे स्केल से तो ये 2 सेंटीमीटर का ही है, 2 सेंटीमीटर का ही हमारे स्केल से, तो हमारे यहाँ 14 होगा, तो ऐसे कितने आएंगे इसमें, 7 आएंगे, तो लेकिन 4 वाले होंगे तो कम आएंगे, 4 से हम 14 को डिवाइड करें तो कितने आएंगे, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। फिर यानी इसमें कितने स्टैम्प आएंगे, फिर तो 3 और एक स्टैम्प ऐसा आधा ही आएगा, समझो 4 स्क्वायर का होगा, लेकिन 2 का है तो इसमें कितने आएंगे, 7, हम 14 को 7 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 7 आएगा। फिर हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, अब ऐसा रेक्टेंगल कितना है, तो हम इसे देखेंगे, तो हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से वो इसकी विड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जैसे जो उसकी लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर आ रही है। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस अलोंग इट्स विड्थ, यहाँ पे कितने आएंगे, तो यहाँ पे ये 6 का है, ये 2 का है बराबर, 2 का एक स्टैम्प है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे ऐसे स्टैम्प, ये 2 का एक हो तो ये कितने आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे बराबर, 6 है, 6 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 × 3 = 6 बराबर, इसमें 3 आएंगे। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, हमें कितने चाहिए पूरा कवर करने को, तो समझो हम ये 6 और तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये एरिया कितना है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल सी तो कितना आएगा लेंथ इंटू ब्रिथ, तो ये कितना आएगा 6 × 14। तो ये कितना है इस तरह से आया बराबर। अभी हमें ये हमारे इसका एरिया कितना है, ये स्क्वायर है 2/2, तो एरिया ऑफ स्टेम, एरिया ऑफ स्टेम, तो एरिया ऑफ स्टेम करेंगे हम, तो एरिया इसका क्या है स्क्वायर का क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी क्या होता है 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। फिर हमें कितने स्टेम्प लगेंगे, तो क्या करेंगे एरिया, एरिया ऑफ नंबर ऑफ स्टेम्स, नंबर ऑफ स्टेम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टेम बराबर। और ये कितना आया, ये आया हमारा 84 और ये आया 4, अब इसे 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4 यानी कितने लगेंगे टोटल 21 बराबर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है, हम ऐसा स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ऐसा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी आपको कोई ऐसा दिया दूसरा, इसके सिवा दूसरा, हम हमारे ऐसे ऐसे सी, तो हम ऐसे इसमें स्टैंप लगा लिए हैं, तो पहले क्या करने का है ये बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर जो स्टैंप लगाने वाले हैं ना स्क्वायर वाले, तो उसका एरिया निकालना है, और फिर नंबर ऑफ स्टैंप जब हमें करना है तो क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टैंप, इस तरह से करेंगे प्रैक्टिस है। और बस प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद क्वीन स्क्वायर टाइल्स, अब उसने किस तरह से टाइल्स लगाई है और अरबाज को क्या करना है, तो टाइल्स लगाई है उसके किचन में, तो उसने क्या करा है कि ग्रीन स्क्वायर टाइल्स बराबर स्क्वायर टाइल्स स्क्वायर की इच साइड ऑफ द टाइल्स 10 सेंटीमीटर, अब उसने क्या कराया है जो टाइल्स लगाने वाला है वो टाइल्स का क्या है स्क्वायर साइज दिए, स्क्वायर में क्या होता है साइड उसकी 4 साइड जो होती है वो सेम होती है स्क्वायर में, कभी भी हमें कोई पूछे तो ये स्क्वायर जैसा होता है, स्क्वायर क्या होता है इसकी सब साइड क्या होती है सेम होती है, ये सब साइड क्या होती है उसकी सेम होती है, अभी कितने 10 सेंटीमीटर वाली टाइल्स वो लगाने वाला है। His kitchen is 220 cm in length and 180 cm wide. How many tiles will he need? अब उसका किचन कैसा है तो उसकी लेंथ कितनी है, इस तरह का किचन है तो 220 उसकी लेंथ है और 180 उसकी या वाइड है, 180 ये वाइड है बराबर, ये लेंथ है और ये बी। अब यहां पे हमें पहले क्या करना है एरिया ऑफ टाइल्स निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स तो कितना आएगा, इसमें क्या होता है इसका ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है L × L स्क्वायर का एरिया होता है, तो यहां पे इसकी कितनी है 10 × 10 यानी हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर, ये हो गया इसका। अब हम किसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किचन, रेक्टेंगुलर किचन, रेक्टेंगुलर किचन का हम एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें याद होना चाहिए, क्या है रेक्टेंगल का एरिया तो L × B
बराबर। तो हम ऐसा करेंगे 220 इंटू 180 बराबर, ये 3 है यानी 20 लगाएंगे, 100 1 1 0 0 1 2 2 2, फिर 18 से 800 800 फिर 8 2 16 1 8 2 16 और 170, फिर 0 से करेंगे तो सब 0 ही आएगा बराबर, 0 0 6 7 और 2 8 9 और 3, तो कितना है इसका एरिया, उसका रेक्टेंगल बना दिया, उसका
इसका रेक्टेंगल बना दिया, बराबर इस तरह से। तो ये 20 सेंटीमीटर है। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, समझे इसकी विड्थ है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आना चाहिए? तो हमें क्या पता होना चाहिए इसका, हमें इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक साइड भी ले लो बराबर, उसकी पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है इसका टोटल? 20 सेंटीमीटर ही ना, तो 20 सेंटीमीटर हमें पता है बराबर। और इसकी क्या होती है? 2 लेंथ प्लस ब्रिथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? ये तो हमें पता है इसका कितना 20 दिया हुआ है। अब ये एक ब्रिथ भी उसने बताई, यानी 2 लेंथ हमें पता नहीं, फिर ब्रिथ कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 रखेंगे हम, ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4
फोर एल यानी एल प्लस एल प्लस एल, देखो एल प्लस एल प्लस एल चारों साइड का उसका एडिशन होता है, चारों साइड का, तो क्या होता है ये फोर एल, फोर से एल को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमको इसे पेरिमीटर दिया हुआ है, इसका कितना है 20 दिया हुआ है, पूरा नॉर्म कितना है 20, तो 4l इक्वल टू 20 और l इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड लेके आएगा और 20 अपॉन 4 यानी 4 5 जा 20 यानी उसकी लेंथ कितनी हो गई 5 यानी स्क्वायर बनाया तो ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 और हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा पूरा 20 आएगा ना। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए। अभी इस स्क्वायर कैरम बोर्ड है जो पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स एरिया, उसकी पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का। देखो पेरीमीटर दिया हो और पेरीमीटर और उसके पहले हमें क्या हमारे जो फॉर्मूले हैं वो याद करने, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका क्या होता है चारों साइड की लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो क्या है 4l और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो l इंटू एल बराबर यानी साइड का मल्टीप्लाई होता है। फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी उसकी क्या होती है रेक्टेंगल की सामने सामने वाली साइड क्या होती है एडजेसेंट होती है ना। इन सबका क्या है ये दोनों आगे आगे वाली सरकी होती है, ये दोनों सरकी होती है, तो इसका 2 टाइम इसका प्लस, 2 टाइम इसका प्लस यानी 2 मैंने यहां निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर 2l प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला है। और एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूले हमें लर्न करेंगे तो याद रहे, रेक्टेंगल पेरीमीटर यानी क्या होता है उसकी जो साइड होती है उसका ही खाली होता है और एरिया में क्या आता है पूरा आ जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या आता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये उसके फॉर्मूले है, ये हमें याद करना है, ये फॉर्मूले हमेशा याद रखोगे तो आपको मैथ्स अच्छे से आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाओगे, अच्छे से आप उसका पेरीमीटर निकाल पाओगे, अच्छे से स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर आप निकाल पाओगे आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो तो, बाकी आपको लर्न ना हो तो आप कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर, अभी यहाँ पे स्क्वायर कैरम है, स्क्वायर कैरम है उसका क्या दिया हुआ है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम, अब उन्होंने दिया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे लिखने कितना दिया है पेरीमीटर 320 दिया हुआ है और हमें उसकी लेंथ निकालनी है, उसका एरिया निकालना है, तो पहले हमें इसके लिए क्या होना है इसकी लेंथ होना है, एरिया यहाँ पे क्या है 4l और देयरफॉर 4l इक्वल टू 320, इसको इस साइड ले लेने का, इसको इस साइड जाने देने का, फिर l इक्वल टू इसको ये मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 8 32 और ये 0 यहाँ लगा दो तो कितना आए उसकी लेंथ कितनी आई 80 सेंटीमीटर बराबर, इसमें तो पेरीमीटर में सेंटीमीटर ही आएगी क्योंकि उसकी लेंथ निकाली। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैरम ना स्क्वायर कैरम, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर, स्क्वायर कैरम, तो अब इसका एरिया क्या है मैंने बताया आपको एल इंटू एल, स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल इंटू एल, तो इसकी साइड हमें मिल गई 80
इंटू 80 और 8 8 64 और ये दो जीरो आप लगा दो तो कितना आया स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमें पेरिमीटर दिया हुआ हो तो हमें उसका एरिया निकालते आना चाहिए। पेरिमीटर से क्या निकालेंगे हम उसकी लेंथ निकालेंगे और पेरिमीटर से क्या निकालेंगे हम उसकी लेंथ, और लेंथ मिल जाए तो उसका हम एरिया निकालेंगे। तो आज हम यहां